हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो सूप। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। टमाटो सूप बनाने के लिए मैं यहाँ पर 5-6 टमाटर ले ली हूँ, और ये 4-5 के लिए लहसुन का है, और 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का है, और 1 प्याज है। अब मैं इसे सबको बारीक चॉप कर लेती हूँ। मैं टमाटर प्याज को काट ली हूँ, देखिए इसे टमाटर को भी काट ली हूँ, प्याज को भी काट ली हूँ, अरे लहसुन भी काट ली हूँ, और ये अदरक को हम इस तरह से चॉप कर लिए हैं लंबे लंबे टुकड़ों में। मैं एक पैन बैठा ली हूँ, अरे गरम हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम बटर डाल देंगे। बटर को हम मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का जो टुकड़ा काट कर रखे थे उसे डाल देंगे। हम चला लेते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसे प्याज डाल देंगे। इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज काट कर किसी से डाल देते हैं। अब इसको भी हमें हल्का हल्का ऐसे कर लेंगे, पूरा नहीं हमें भूनना है, हल्का ही चाहिए भूनने में। अच्छे 2 मिनट तक हम इसे भून लिए हैं प्याज को। अब इसके अंदर हम टमाटर जो काट कर रखे थे उसे हम डाल देते हैं। इसे फुल फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे हैं, और इसे हम कवर कर देंगे। इसे 1-2 मिनट तक हम इसे फुल फ्लेम पर ऐसी ढककर छोड़ देंगे। हम इसे चेक कर लेते हैं 2 मिनट बाद। इस टमाटर को जो पानी का सारा सोक लिया है, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। प्लस टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है, देखिए सॉफ्ट हो गया है हमारा टमाटर। सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। और इसे फिर से हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ढककर पका लेते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालनी है, मैं भूल गई थी डालना, ये मैं कूट ली थी दरदरा, इसे भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच के अंदर से डाले हैं, और अब इसे हम ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसे हटाएंगे ढक्कन को। 2 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं।
गैस को बंद कर देंगे। तैयार हो गया, हम इसे एक छन्नी में छान लेते हैं। तो गैस से उतार लेते हैं, हम इसको एक छन्नी में छान लेते हैं। इसे मैं एक छन्नी में छान ली हूँ, अरे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। पहले इसे छन्नी में इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं इसे पीस ली हूँ, मैं इसे छन्नी में छान लूँगी। वापस छन्नी में डाल ली हूँ और इसे हम छान लेते हैं। मैं सारा टमाटर को छान ली हूँ पीस कर, मैं इसे साइड में रखती हूँ। इसे फिर से हम गैस पर चढ़ाएंगे। गैस चालू कर लेते हैं। इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसे हमें पतला बनानी है सूप को। एक बर्तन में हम एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसे हमें पानी में घोलना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और पतला सा घोल बना लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें गाढ़ापन आ जाएगा और इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे। थोड़ा सा अपना टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ही डालिए चीनी, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें नमक भी हम डाल देंगे और हम इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं डाले हैं क्योंकि हमें तीखा पसंद नहीं है। हम इसमें सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ही डाले हैं। अब इसमें हम उबाल आने देते हैं, इसी तरह से चलाते रहेंगे। इसमें उबाल आ गया है, थोड़ी देर तक हम इसे ऐसे ही गैस पर आने देंगे उबलते हुए। इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बॉइल किया हुआ स्वीट कॉर्न है। इसे 2-3 मिनट तक हम ऐसे उबलते रहने देंगे। सूप हमारा बनकर रेडी है, हम गैस को बंद कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड को अच्छा सा सेक के हम इसे क्रंची कर लिए हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम 1-2 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। हमारा सूप टमाटो का सूप बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, और इसे हम सर्व करेंगे। इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरा टमाटर सूप बनकर तैयार हो गया, मैंने इस कटोरी में सर्व की हूँ। इसी तरह से आप बनाइए घर में फ्रेंड्स, ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है टमाटर सूप।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तब तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।